किसान आंदोलन में क्यों लेकर आए? जी किसान की किसान का हथियार ही वो है। अच्छा, पहले बुग्गी जोटे चले आते और बाकी वो मोदी थी आया स्पेशल। अच्छा, हाँ बाकी समझ गए होंगे। लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और आज जो है आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन के अंदर एक जोटा, एक शानदार बुल जो है वो किसान आंदोलन में आज देखने को मिल रहा है। तो सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। इसका नाम करण है। अच्छा। और ये युवराज का है। कहाँ से आए हैं जी आप? नांगल गांव से जी। नांगल गांव? हाँ, नांगल गांव से जी। ये इनके ओनर है। अच्छा। बहुत मेहनत करी है जी इनने इस पे जी, अध से ज्यादा। मैंने कहूँ जितनी इसकी कोई कीमत लगा होगा ना, इससे चार गुना पैसा लगा रखा है इस पे, खवान पिलान में हर चीज में। क्या मानते हैं, कितनी उम्र है इसकी? 4 साल है जी इसकी उम्र। अच्छा। हाँ। और मुर्रा नस्ल जी है जी। मुर्रा नस्ल? हाँ, युवराज का है जी। अच्छा। मैं इनका, हाँ। बाकी ये ओनर है जी इनके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश है जी। अच्छा। मैं इनका दोस्त हूँ। अच्छा। हाँ। किसान आंदोलन में क्यों लेकर आए जी? किसान की किसान का हथियार ही वो है। अच्छा। पहले बुग्गी जोटे चले आते और बाकी वो मोदी थी आया स्पेशल। अच्छा। हाँ, ये बात बाकी समझ गए होंगे। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो ये है जी, एक हमारे कानून ये तीन जो कि जितने भी कृषि कानून ये पारित हुए हैं, सारे के सारे रद्द होने चाहिए। कति एक भी मत नहीं रहना चाहिए। किसान की जो मांग है वह पूरी होनी चाहिए। MSP कति पूरा पूरा मिलना चाहिए। कानून बनना चाहिए। न्यू नहीं है, कह दिया गारंटी दे दी, गारंटी दुनिया दे बदल गया, हम गारंटी ने कितने लेकर फिरेंगे? इस हमारे बस यह है जी, चाहे कोई सी सरकार हो, कांग्रेस हो, BJP हो, हम तो भारत सरकार तय हम तो भारत सरकार तो अपील कर रहे हैं जी, ठीक है ना? तो हम BJP के ना कांग्रेस की किसी के नहीं, मतलब कि हाँ। जो है आज किसान ने जोटा लेकर संसद पर चढ़ाई कर। हाँ बिल्कुल जी, जोटा लेकर संसद। वाह, आपकी बात सही कही है जी। अच्छा। हाँ। तो ये जो 26 जनवरी की तैयारी है। हाँ, 26 जनवरी ने भी भाई के साथ जरूर आओगे। अच्छा। और लेकर आओगे, कति कोई दिक्कत नहीं। 1 महीने से बाहर है जी वो। चलिए, हमारे साथ जो है मालिक है जोटे के, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? जोगिंदर तुसीरा जी नाम। अच्छा, चलते चलते कितनी कीमत होगी जी इसकी आपकी? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। तो किस तरह से तैयार किया जी आपने ये? शौक है आपको जोटे रखने का? हाँ, जोटे रखने का शौक है जी अपना। कब से रख रहे हैं जी आप ये? 15 साल से। 15 साल से। तो इससे पहले कौन सा था आपके पास है? इसके पास इससे पहले इसे बड़ा दूसरा, वो उसका नाम कोई नहीं रख रखा था हमने वैसे। अच्छा। इसी का रखा है, नाम करण नाम इसका। करण नाम इसका, युवराज का बच्चा है। 25 लीटर इसकी माँ के नीचे दूध था। अच्छा। 5 किलो चने, 5 किलो बिनोड़े खाता है ये डेली। और क्या खासियत है इसकी? मुर्रा नस्ल का है ये। अच्छा। युवराज का बच्चा है जो 25 करोड़ जी जोटे लगे थे ना, उसका बच्चा है ये। अब जो है इसके जो सीमन है वो सीमन ही भैंस सीधा भैंस। क्या मानते हैं किसान आंदोलन में जोटा लेकर पहुंचे हैं? क्या कुछ संदेश देना चाहूं? मैं ये सोच रहा हूँ सरकार कैसे भी मान जाए, ये पशु को देख के ही मान जाए, कुछ नहीं तो बंदे आदमी को देख कर नहीं मान रहे हैं, तो पशु को देख के ही मान जाए भाई। पशु भी रोड पे आ गए, इससे और क्या करवाएंगे सरकार वाले? मतलब ये है कि अब किसान अब तक ट्रैक्टर लेके पहले आया था, अब अपने जोटा और भैंस भी साथ लेके आएंगे। हाँ, साथ में गाय भी लेके आएंगे, भैंस भी। अच्छा। हाँ, जोटा भी लेके आ जाए। मतलब खुली चेतावनी है सर? खुली चेतावनी सरकार से, चले मान जाए। अच्छा। नहीं तो सीधा आज इसको लाल किले पहुंचा देंगे 26 तारीख को। 26 तारीख को लाल किले में, पक्की बात है। झंडा जो फरा होगा। अच्छा, ये थे हमारे साथ जो है करण, इस जोटे का नाम इन्होंने बताया और इसकी लगभग जो है 2.5 लाख कीमत इन्होंने बताई है। और काफ़ी जो है युवराज का ये बुल बताया जा रहा है कि युवराज का जो नस्ल है, युवराज का ये बेटा है। तो देखते रहिए इसी तरह की तस्वीरें, हम किसान आंदोलन से जुड़ी जो है तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।